अभी फ्रास्ट बीन के पौधों में दो खंबे गाड़ दिए हैं और उनमें दो सपोर्ट हैं, तो पूरे तीन कट्टे यहाँ पे मैं माटी और इसको मिला दी, प्लास्टिक डाल दिया है ताकि अंदर इस प्रकार से। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों सुबह के 8 बजे हैं और अभी निकल रहा हूँ मैं अपने फार्म हाउस में। कल की मूसलाधार बारिश से मेरी पूरी जंगल की रसोई में पानी आ रहा है। यहाँ जो मैंने पॉली हाउस में पीछे की तरफ प्लास्टिक लगा रखा था मोटा वाला, वो प्लास्टिक अभी लेकर के जा रहे हैं। प्लास्टिक लेके जाएंगे ऊपर फार्म हाउस में लगाएंगे। दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं अपने फार्म हाउस में। यहाँ पे सबसे पहले आज हम लकड़ी फाड़ रहे हैं, लकड़ी बना रहे हैं, क्योंकि तूफान से इस पेड़ की दो चार टहनियाँ टूट गई थी और जो कि हमने यहाँ पे संभाल रखी थी, तो आज उनको यहाँ पे बना रहे हैं खाना बनाने के लिए, आग जलाने के लिए। दोस्तों अभी तक इतनी हम लकड़ियाँ फाड़ चुके हैं। दोस्तों आज हम अपनी जंगल की रसोई में ये पॉलीथीन रखेंगे, क्योंकि दो तीन दिन से भयंकर वाली बारिश आ रही है, जिस कारण से हमारी पूरी जंगल की रसोई में अंदर पानी टपक रहा है। तो इस प्लास्टिक को हम अपने जंगल की रसोई में के ऊपर डाल देंगे। पहले के भी बहुत सारे प्लास्टिक डाले हुए हैं जो कि सड़ चुके हैं, अब इस नए प्लास्टिक को डाल देंगे जो कि मैंने नीचे अपने पॉली हाउस के पीछे लगा रखा था। दोस्तों यहाँ पे हमने अपने जंगल की रसोई के ऊपर से प्लास्टिक डाल दिया है ताकि अंदर पानी ना आए। कभी थोड़ा थोड़ा टपक रहा था बूंद कहीं से, तो पूरा प्लास्टिक चढ़ गया है ऊपर से ताकि बरसात में अंदर पानी ना टपके। इस प्रकार से यहाँ पे हमने प्लास्टिक ऊपर से डाल दिया है। पुराना प्लास्टिक था जो वो सड़ गया था, क्योंकि यहाँ पे इस पे जंगल की रसोई के ऊपर से हमने ये पत्थर की स्लेट लगा रखी है और ऊपर उस साइड से पानी कहीं कहीं से टपक रहा है, तो प्लास्टिक से और भी सेफ्टी सुरक्षा हो जाएगी। ये लकड़ी की भारी पिताजी लेके चले गए हैं। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और मैं यहाँ से काली माटी आगे गमलों में डालने वाला हूँ, क्योंकि भारी बरसात से यहाँ पे हमारे गमलों में पानी भर गया था, तो जिससे हमारा बीज ऊपर निकल गया है। तो ये काली माटी फिर से ऊपर गमलों में डाल देंगे जिनमें हमने बीज ग्रो किया था, काली माटी और इसको मिला देंगे आगे गमलों में जहाँ पे बीज बाहर आ गया था। यहाँ पे हल्का सा बीज हमारा बाहर निकल गया है, तो हल्का हल्का ऊपर से डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से, ताकि फिर से हमारा बीज दब जाए और बीज हमारा यहाँ पे ख़राब ना हो। अब करते हैं यहाँ पे अपने फ्रास बीन में गुड़ाई का काम, क्योंकि फ्रास बीन अब काफ़ी बड़ी हो गई है, कुछ ही दिन में इस पर फल निकल जाएंगे। फ्रास बीन कुछ इस प्रकार की हो गई है, काफ़ी बड़ी, और हम इसमें अब गुड़ाई करने वाले हैं। फ्रास बीन के पौधों में गुड़ाई का काम हो गया है। सभी पौधों में अच्छी प्रकार से गुड़ाई हो गई है और कुछ ही दिन बाद इन पौधों में फ्रूटिंग बननी शुरू हो जाएंगी, जो हमारे यहाँ पे फ्रास बीन के ये पौधे इंटरक्रॉप में लगाए हैं।
दोस्तों 5 दिन की भी अच्छी प्रकार से गुड़ाई हो गई है, तो कुछ 1 घंटा यहाँ पे पत्थरों से रोड़ी बनाने का काम करूँगा। दोस्तों शाम के 4 बज गए हैं और यहाँ पे भी मैंने रोड़ी तोड़ने का काम आज से शुरू कर दिया है, यहाँ पे अपने गौशाले के आंगन में। तो 1 घंटे में मैंने ये 3 कटे रोड़ी तोड़ दी हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे गारे थे, तो जो वेस्टेज गारे थे उनका मैं यहाँ पे रोड़ी बनाऊंगा, जो कि विकास कार्यों में काम आएंगे। तो पूरे 3 कट्टे यहाँ पे मैं रोड़ी तोड़ चुका हूँ। शाम का टी ब्रेक करते हैं 4 बजे का, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपनी इस गेट पे एक बाड़ सिस्टम का यहाँ पे जुगाड़ करूँगा और इनको मैं बाहर से सबल से घींटूंगा, दोनों तरफ से गाड़ दूंगा, और उसके बाद एक अच्छा से यहाँ पे बाड़ सिस्टम हो जाएगा। ये वाला सिस्टम फिर हट जाएगा, ये तो वैसे टेम्परेली मैंने यहाँ पे जोड़ रखा था। यहाँ पे गेट की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये भैंस इस रास्ते से अंदर प्रवेश करेंगी गौशाले में, और जहाँ पे आदमी आएंगे तो आदमी के लिए ये गेट है, एंट्री गेट, यहाँ से सीधा आगे जाने के लिए। दोस्तों 4 बजे वाली चाय पीते हैं गर्मा गर्म। यहाँ पे अब गेट पे बाड़ लगाने का काम शुरू करते हैं। 2 खंभे हैं मेरे पास और दोनों को दोनों तरफ से सबल से गाड़ देंगे, तो काम शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे 2 खंभे गाड़ दिए हैं और उनमें 2 सपोर्ट हैं। एक सपोर्ट ये है और इससे लकड़ी इधर आएगी, और इस सपोर्ट से यहाँ और ऊपर से फिर यहाँ आएगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे ये टेम्परेरी एक बाड़ हो गई है। शाम के 5:30 बज गए हैं और आज के काम की यहीं पे छुट्टी करते हैं। दोस्तों आज जो हमने यहाँ पे अपने फार्म हाउस नर्सरी में काम किए, तो आज हमने अपने फार्म हाउस पीछे जंगल की रसोई के ऊपर प्लास्टिक का तिरपाल डाला, ताकि बरसात में पानी न टपके, और फिर कुछ रोड़ियाँ टोड़ी, फिर लकड़ियाँ बनाई घर के लिए, और उसके बाद फार्म हाउस के आगे एक टेम्परेली गेट लगाया, और फिर अपने यहाँ पर फ्रांस बीन की गुडाई की। इन्हीं कामों को करके आज का दिन मेरा यहाँ पे व्यतीत हुआ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सके, आपका मोटिवेशन कर सके। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।